मध्य प्रदेश में चुनावी महाभारत से पहले सियासी महाभारत शुरू हो गई है। कमलनाथ के करीबों पर आयकर विभाग ने छापेमारी तो की, राज्य पुलिस छापेमारी के दौरान पहुंच गई और बाधा डालने की कोशिश की गई। कमलनाथ के ओएसडी पर छापेमारी पड़ ही रही थी कि इनकम टैक्स अधिकारी घर में मौजूद थे, सीआरपीएफ के जवान बाहर मौजूद थे, लेकिन हंगामा तब शुरू हो गया जब कमलनाथ की पुलिस वहां पहुंच गई और अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, तभी सीआरपीएफ ने रास्ता रोक लिया, फिर बवाल मच गया। अब सवाल है कि आखिरकार आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान पुलिस को जाने की क्या जरूरत थी? क्या पुलिस जानबूझकर कार्रवाई में बाधा डाल रही थी? क्या पुलिस आयकर विभाग को काम करने से रोक रही थी?